बिहार के हाजीपुर सीट को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान की लड़ाई पर आखिर क्यों रोने लगी चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि हाजीपुर सीट को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। चाचा भतीजे की लड़ाई पर रो रही हैं उनकी बड़ी मां यानी कि पशुपति पारस की बड़ी भाभी राजकुमारी देवी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बड़ी बातें हो रही है, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति पारस का जो झगड़ा है वो हाजीपुर सीट को लेकर है, जो कि अभी भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि दिवंगत रामविलास पासवान वहां से लोगों की सेवा उन्होंने बहुत सालों तक की, उसके बाद वहीं से वो केंद्र में पहुंचे थे, लेकिन 2019 में अपने भाई यानी पशुपति पारस को वहां से लोकसभा की सीट दे दी और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, जिसके बाद पशुपति पारस उस सीट से विजयी हुए थे, जिसके बाद अब तमाम तरह की लड़ाई चल रही है। पशुपति पारस का कहना है कि वर्तमान में वहां से सांसद हैं और चुनाव हाजीपुर से ही लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर की सीट उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि है, जो कि उनके पिता का सपना था और उस सपने को पूरा करने का काम उनका बेटा यानी चिराग पासवान खुद करेंगे। लेकिन बीच बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस का झगड़ा खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही ऐसा जो कयास लगाया जा रहा था उसमें कोई सच्चाई दिखाई दे रही है। अब जो बड़ा मामला आया है, चिराग पासवान की पहली पत्नी यानी राजकुमारी देवी इन दोनों के झगड़े को देखकर अचानक से रोने लगी। उनका कहना था कि हमने ये कभी नहीं सोचा था कि चाचा और भतीजा एक ही सीट के लिए लड़ाई करेंगे, क्योंकि हमारे उम्मीद से काफी अलग है। उन्होंने पशुपति पारस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि पशुपति पारस को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब ये उसके पिता की कर्मभूमि है तो उस सीट को उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद अब चिराग पासवान थोड़ा भी झुकने को तैयार नहीं है, जिसके बाद राजकुमारी देवी अचानक इस बात को करते करते रोने लगी, जिसके बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या पशुपति पारस का दिल एक बार पिघलेगा, क्या पशुपति पारस हाजीपुर की सीट चिराग पासवान को दे देंगे। ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या राजकुमारी देवी का रोना चिराग पासवान के लिए फायदेमंद हो सकता है, या फिर पशुपति पारस जिस जिद पे अड़े हुए हैं अपनी जिद को पूरी करते हैं। ये सबसे अहम सवाल रहेगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।